हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो गाइस, आज मेरा करीब करीब 8 या 10वां दिन है नेपाल में, और अभी इस वक्त हम लोग एक कैफ़े में आए हुए हैं। तो जाने वाले कहीं और हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकलेंगे। एक्चुअली अभी जो टाइम हो चुका है वो है लंच का, 12:30 हो चुके हैं। तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद एक जगह है यहाँ पर, तो वहाँ पर अभी हम निकलेंगे। करीब करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह। तो गाइज, करते हैं अभी नाश्ता पानी और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइज, अभी हम लोग हैं रॉयल कैफ़े में, नेपालगंज में जो है। तो अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर अभी निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी मैं आप लोग को मिलाऊँगा, 2-3 लोग हम लोग साथ में जो जा रहे हैं घूमने के लिए। तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, के बाद निकलते हैं गाइस। नेपालगंज में ये तंबोजी करके एक जगह है, यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है अभी। गाइज, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले हैं, और हम 4 लोग अभी जाएंगे। ये मेरा भाई है, मौसी का लड़का है वीरेंद्र। तो हम सब लोग अभी निकलेंगे, उससे पहले हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं। क्या नाम है? अगैया। अगैया एक जगह है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम चलेंगे, वहाँ करेंगे इंजॉय। तो इस व्लॉग में आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तभी मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। ये सारा एरिया नेपाल के वन विभाग के अंडर में है, तो यहाँ पर हॉर्न बजाना भी अलाउड नहीं है। आप देख ही सकते हो, ये पूरा जो एरिया है जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है, और 40 से ऊपर स्पीड में चला भी नहीं सकते।
चलते चलते गए, ये देख सकते हो आप पबजी के दीवाने, ये बालू भी काफी है। और ये काठमांडू भी यही वाला रास्ता जाता है। अभी एक एक से डेढ़ किलोमीटर के बाद यहाँ पर एक जगह आने वाली है जो कि यहाँ के लोकल मुर्गियाँ वहाँ पर मिलती हैं और लोग उसे खाने के लिए आते हैं वहाँ पर। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था गाइस वो यही है, यहाँ पर ही मिलते हैं लोकल मुर्गियाँ, ये आप देख सकते हैं गांव के एरिया में। तो अभी हम पहुँच चुके शमशेरगंज। ये सामने आप देख सकते हो, बस अगे हम लोग जहाँ ये बोर्ड देख सकते हो आप, तो मार्केट में हम लोग पहुँचने वाले हैं अगे आगे। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं, आप देख सकते हो इस जगह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अघैया, और करीब करीब हमको यहाँ पहुँचने में एक घंटे से ज़्यादा टाइम लगा नेपालगंज से। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आगे आगे जो भी मेरे को जानकारी मिलती है यहाँ के बारे में अपडेट करता रहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ इन लोग के साथ घूमने के लिए। तो करते हैं एक्सप्लोर। तो वहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो पूरे होटल एंड लॉज, तो रेस्टोरेंट वगैरह बहुत है यहाँ पर। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है मच्छी, यहाँ आप देख सकते हो मच्छी आपको खाने को मिल जाएगी यहाँ दबा के। और इस होटल के पीछे नदी है जहाँ से ये लोग मच्छी लेके आते हैं, सुना है मैंने, तो अभी मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली ये लेके कहाँ से आते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है नदी है यहाँ पर। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। गाइस इस रेस्टोरेंट में हम लोग, न्यू स्टाफ होटल जो देख रहे हो आप, इसमें अभी हम लोग लंच करेंगे। और इसके पीछे आप देख सकते हो ये होटल भी है, तो यहाँ रात को रुक भी सकते हैं आप लोग। तो ये राप्ती सोनारी टू अभी या बांके करके है, तो हमारो यहाँ खाना नाश्ता शुद्ध राप्ती को माछा को परिकार पुनी पाइंछा, इसका मतलब ये है गाइस कि हमारे यहाँ पर खाना नाश्ता और जो ये इसके पीछे राप्ती है नदी, वहाँ की एकदम फ्रेश मछलियाँ हम खा सकते हैं। तो अभी करते हैं हम लोग लंच। भाई एक बोतल पानी मार के चला, आज की बात। तो गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया है अभी मछली, आज बुधवार हो गया, मछली के साथ ही चटनी दे सकते हो आप। तो ये जो है फ्राई है, गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 3:30 और हम लोग कर रहे हैं अभी लंच। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं तीन लोग, ये सब नॉन वेजिटेरियन है, सिर्फ मैं ही अभी वेजिटेरियन हूँ। तो मेरा भी लंच आ चुका है, तो अभी करते हैं लंच और मिलते हैं लंच के बाद। गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्नैक्स लिया था थोड़ा सा, तो वो मैंने आपको दिखाया था। अभी रियल वाला लंच हो रहा है, तो ये देख सकते हो आप, दाल हरी सब्जी, लौकी की सब्जी है और दाल भी निकल।
मछली। हाँ मछली कहाँ है देख सकते हो आप, झोल वाली मछली। गाइज लंच हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप मेरे पीछे देख रहे होगे राप्ती, जो नदी जिस नदी के बारे में बात कर रहा था वो ये आप देख सकते हो, ये है नदी और ये पूरा डैम है, काफ़ी पानी है इसमें। मगरमच्छ तो नहीं है इसमें? हाँ मगरमच्छ भी है बहुत बड़ा बड़ा होते हैं इसमें। वो देखो डायनासोर जैसा नहीं लग रहा है इसको भाई। देखो गाइस वो यहाँ से दूर से डायनासोर जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। दी क्या दी गई है या वैसी बनाई है शायद, मुझे लग रहा है। अच्छा इसको रोक के रखा है ना अभी यहाँ। हाँ जी कर। पूरा पानी ही पानी है। हम लोग वहाँ थे ना पीछे उधर, हम लोगों ने वहाँ पर लंच किया था तो हम उसके बैक साइड में आए हुए थे। तो ये है चलता हुआ पानी। तो यहीं से ये लोग मच्छी मारते होंगे ना दोपहर को आते थे वहाँ से पानी छोड़ा है सर उधर से है? उधर से पानी छोड़ रखा सर वो देखो। हाँ उधर से चलें। तो गाइस ये पूरा जो पुल है वो करीब करीब 800 मीटर के आसपास का है या फिर 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कि 800 मीटर का ही है। तो और मैं पीछे आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो नदी है इसमें से ये लोग मच्छी मारते हैं और फिर मच्छी मार के ये जहाँ पर हम लोगों ने लंच किया था वहाँ पर ले जा के ये लोग बना के ये बेचते हैं रेस्टोरेंट में। ये भी थोड़ा सा इन लोगों ने गेट खुला हुआ है देख सकते हो आप। अब इसका मैं बैक साइड दिखा देता हूँ आपको जहाँ से जा रहा है, ये आप देख सकते हो गाइस क्या खतरनाक सीन है। ये है गाइस राप्ती नदी। गाइस अभी ये थोड़ा सा इन लोगों ने पानी छोड़ा हुआ है तो आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है और ये ऊपर आप देख सकते हो मौसम बहुत खराब है और उसी के साथ ही ये देख सकते हो गाइस बारिश होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर देखो। जिस डैम पे हम लोग आए हैं अभी वो है सिक्टा डैम, तो आप देख सकते हो और अभी 5:40 बज चुके हैं शाम के और अभी हम लोग निकलते हैं वापस। ये सीधा काठमांडू का है ना, राइट साइड में काठमांडू को रास्ता जाता है और ये वापस हम लोग अभी नेपालगंज की तरफ जा रहे हैं।
गाइज अभी जस्ट पहुंचे हम लोग रूम पे, तो बज चुके हैं अभी शाम के 7 और हल्की फुल्की बारिश हो रही है बाहर। तो जैसा कि नेपाल में ये मेरा सबसे पहला टूर था अगैया का, तो इसी तरह से आज अगैया को एक्सप्लोर किया हम लोगों ने और काफ़ी कुछ मज़े किए, तो इसी तरह से आगे भी एक्सप्लोर करते रहेंगे पूरे नेपाल को। तो अभी मैं कुछ टाइम तक हूँ यहाँ पर। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।